वालेकुम अस्सलाम अजीज ने कहा, अस्सलाम वालेकुम सर। तो जी वालेकुम अस्सलाम। हेलो स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, अब्दुल्ला अजीज माज मोहम्मद तलहा शाहजीब के तमाम स्टूडेंट तक वॉइस पहुंच रही है और एक्सरसाइज 2.2 टॉपिक 4 डिवीजन ऑफ लाइन स्क्रीन तमाम स्टूडेंट के पास शेयर हो रही है। लेन जी अब्दुल्ला ने कहा जी बिल्कुल मैसेज वॉइस पहुंच रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है तमाम स्टूडेंट्स के पास। हमने अपना सिलेबस चैप्टर 2 से स्टार्ट किया है और चैप्टर 2 में अब तक हम 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं और इन 3 टॉपिक में पहला टॉपिक था मिड पॉइंट फार्मूला, दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा फार्मूला फॉर सेंट पॉइंट, थर्ड टॉपिक हमने पढ़ा फार्मूला फॉर इन सेंटर, और अब हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 में टॉपिक 4 है जिसका नाम है डिवीजन ऑफ लाइन। एक्सरसाइज 2.2 में आज की क्लास में हमारा टॉपिक है डिवीजन ऑफ लाइन का टॉपिक है। डिवीजन ऑफ लाइन के टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे और 2 से 3 मिनट में वेट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स का, जो मुझे अभी तक ज्वाइन नहीं किया वो तेजी से ज्वाइन कर लें। शाहजेब कहते हैं सर जी जो आपने लास्ट क्लास में हमें क्वेश्चन दिया था उसमें हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। जी हाँ, जो मैंने लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन होमवर्क में दिया था उसमें हमें एक्स और वाई की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है, क्योंकि जो हमारे पास इन सेंटर होता है उसके लिए हम एक्स और वाई यूज करते हैं, सेंट पॉइंट के लिए भी एक्स वाई यूज करते हैं, मिड पॉइंट के लिए भी एक्स और वाई को ही यूज करते हैं। तमाम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज x1 y1 हम आमतौर पर इनिशियल पॉइंट के लिए यूज करते हैं, लेकिन फर्स्ट वर्टेक्स अगर एक ट्रायंगल है तो उसमें फर्स्ट वर्टेक्स अगर आप लेंगे तो x1 y1 है, सेकंड वर्टेक्स x2 y2, थर्ड वर्टेक्स x3 y3 है। लेकिन अगर आप a से b का डिस्टेंस मालूम कर रहे हो तो फिर पहला x1 y1 है, दूसरा x2 y2 है। अगर आप BC डिस्टेंस मालूम कर रहे हैं तो पहला x1 y1 है, दूसरा x2 y2 है। अगर आप A से C का डिस्टेंस मालूम कर रहे हो तो फिर पहला x1 y1 होगा और C वाला जो है वो x2 y2 होगा। ठीक है, जब इन सेंटर का फार्मूला अप्लाई करते हैं तो जो वर्टिसेस होते हैं उन्हें x1 y1 x2 y2 और x3 कंसीडर करते हैं जब आप फार्मूला फॉर इन सेंटर को अप्लाई करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 में टॉपिक 4 आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस टॉपिक 4 का नाम है डिवीजन ऑफ लाइन और डिवीजन ऑफ लाइन का टॉपिक हमें समझना है। लेकिन डिवीजन ऑफ लाइन का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तमाम स्टूडेंट्स साइड हेडिंग डाल सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन। तमाम स्टूडेंट पहले साइड हेडिंग डालेंगे स्ट्रेट लाइन की। व्हाट इज स्ट्रेट लाइन? स्ट्रेट लाइन की हेडिंग डाल के स्क्रीन पर जरा कॉन्सेंट्रेट करें। तमाम स्टूडेंट्स कहते हैं जी अ लाइन हैविंग infinite length on both sides is called straight line.
a line having infinite length on both sides is called straight line. एक ऐसी लाइन जिसका कोई एंड पॉइंट ना हो। लेफ्ट साइड पे एरो का मतलब यह है कि लेफ्ट साइड से आप जितना मर्जी इंक्रीज कर दें और राइट साइड से एरो का मतलब यह है कि राइट साइड से आप इसको जितना मर्जी इंक्रीज कर दें। तो लेफ्ट साइड पर भी कोई एंड पॉइंट नहीं है और राइट साइड पे भी कोई एंड पॉइंट नहीं है, तो इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो ए बी जो है, अगर इसको नाम दे तो ये ए भी हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है और ए भी लिखने के बाद मैथमेटिकली हम एक लाइन लगाते हैं उसके राइट और लेफ्ट दोनों तरफ एरो लगाते हैं। इट इज डिनोटेड बाय ए बी और दोनों तरफ एरो लगा देते हैं, विच इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन हमारे पास अ लाइन हैविंग इनफिनाइट लेंथ ऑन बोथ साइड इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। एक ऐसी लाइन जिसका कोई एंड पॉइंट ना हो उसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। अच्छा जी, ताहिर कहते हैं कि सर प्रश्न समझा दें, मैंने प्रीवियस सेम ऑनलाइन हो गया तो चलें जी, कोई बात नहीं। ताहिर बेटे आज हमारा टॉपिक है टॉपिक 4, रिवर्स में आपकी वजह से जा रहा हूँ ताहिर बेटे। एक्सरसाइज 2.2 में टॉपिक 4 है हमारे पास और टॉपिक 4 है हमारे पास डिवीजन ऑफ लाइन। टॉपिक 4 है हमारे पास डिवीजन ऑफ लाइन। साइड हेडिंग हमने डाली थी स्ट्रेट लाइन की और इस बात को हम समझ रहे थे, कहते हैं कि अ लाइन हैविंग इनफिनाइट लेंथ ऑन बोथ साइड इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। एक ऐसी लाइन जिसमें इनफिनाइट लेंथ हो बोथ साइड पर उसे हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन। जैसे डायग्राम है ए और बी का नाम दिया इसे, तो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पर ए है एरो बताता है कि लेफ्ट पे कोई एंड पॉइंट नहीं और बी का राइट साइड पे एरो बताता है कि इसका राइट साइड पे कोई एंड पॉइंट नहीं। तो एक ऐसी लाइन जिसका कोई एंड पॉइंट ना हो उसे हम कहते हैं कि ये हमारी स्ट्रेट लाइन। आई होप के ताहिर बेटे बात समझ में आ गई। एंड पॉइंट्स हमारे पास एक ऐसी लाइन जिसका कोई एंड पॉइंट ना हो उसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन। ताहिर ने कहा जी बात समझ में आ चुकी है, ओके जी। और समीत कहते हैं जी सर आवाज मेरी तरफ से 100% वॉइस ऑन है बेटे, आप अपने एंड से चेक करें, देखिए वहां से कोई वॉइस का इश्यू तो नहीं होता। तमाम स्टूडेंट तक वॉइस मेरी पहुंच रही है। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है रे की। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है रे। रे की हेडिंग डाल के आप लिखेंगे अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन हैविंग वन एंड पॉइंट एंड अदर इज इनफिनाइट लेंथ इज कॉल्ड रे। अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, तमाम स्टूडेंट स्क्रीन पर कॉन्सेंट्रेट करें। जैसे कि आपके सामने डायग्राम में आ रहा है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन का अगर हम एक एंड पॉइंट कंसीडर करें, ये जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है इसका हमने एक एंड पॉइंट कंसीडर कर लिया और दूसरी तरफ इसकी जो लेंथ है वो इनफिनाइट लेंथ है, तो इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास रे है। इट इज डिनोटेड बाय ए बी लिखकर स्ट्रेट लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, जबकि ये जो रे है बेटे इस रे का हमारे पास एक एंड पॉइंट तो है लेकिन दूसरा कोई एंड पॉइंट नहीं है, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास रे है ए बी, इसको हम रे कहते हैं। रे के बारे में फिर से देख लेते हैं कि अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन हैविंग वन एंड पॉइंट एंड अदर इज इनफिनाइट लेंथ इज कॉल्ड रे। रे हम एक ऐसी लाइन को कहते हैं, स्ट्रेट लाइन का ये पार्ट है, पार्ट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। रे जो है वो पार्ट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन,
लेकिन जब हम स्ट्रेट लाइन पर एक एंड पॉइंट कंसीडर कर ले और दूसरा उसका कोई एंड पॉइंट ना हो तो हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास रे। ठीक है, नंबर नेक्स्ट में हमारे पास आ रहा है लाइन सेगमेंट। नंबर नेक्स्ट में हमारे पास है लाइन सेगमेंट। अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन हैविंग टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। A part of a straight line having two endpoints is called line segment. Concentrate करें स्क्रीन पर, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन पर अगर हम एक एंड पॉइंट और फिर दूसरा एंड, अगर हम स्ट्रेट लाइन पर दो एंड पॉइंट कंसिडर कर लें, अगर स्ट्रेट लाइन पर हम दो एंड पॉइंट सपोज कर लें तो अब ये हमारे पास बन जाती है लाइन सेगमेंट। और इट इज डिनोटेड बाय ए भी लिखकर ऊपर हम लाइन लगाएंगे और यहाँ पे दोनों तरफ कोई एरो नहीं होगा, ना एक साइड पर कोई एरो नहीं लगाते, इसका मतलब लाइन सेगमेंट की बात हो रही है। लाइन सेगमेंट की बात हो रही है। लाइन सेगमेंट भी पार्ट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन है। अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन हैविंग टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन हैविंग वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड रे। अ लाइन हैविंग इनफिनाइट लेंथ ऑन बोथ साइड इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। आई होप कि तमाम स्टूडेंट को बात समझ में आ रही है। ताहिर बेटे फखर, खिजर, अजीज, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटे? समीर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटे? शाजीब, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके जी, तमाम पॉइंट्स क्लियर है, चलें बहुत अच्छी बात। गब्बर सिंह ने कहा कि क्लियर, रूस गब्बर सिंह, आई डोंट नो गब्बर सिंह। मोहम्मद तला नौसर, ओके नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, नेक्स्ट हेडिंग है पॉइंट्स ऑफ डिवीजन। पॉइंट्स ऑफ डिवीजन की हेडिंग डालकर तमाम स्टूडेंट्स स्क्रीन पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। पॉइंट्स ऑफ डिवीजन, तमाम स्टूडेंट्स स्क्रीन पर कॉन्सेंट्रेट करें। The points, कह रहे वो points on a line segment, किसी भी line segment पर वो points which divide, जो उस line segment को divide करते हैं equal parts, बराबर हिस्सों में, वो points जो line segment को divide करते हैं, किस में डिवाइड करते हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं, उन्हें हम कहते हैं कि ये हमारे पॉइंट्स ऑफ डिवीजन। तमाम स्टूडेंट स्क्रीन पर कॉन्सेंट्रेट करें, जैसे कि ये एक स्ट्रेट लाइन है मेरे पास, दो मैंने इसके एंड पॉइंट कंसीडर कर लिए। अब ये मेरी लाइन सेगमेंट ए और बी, ए टू बी। अब ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट बन चुकी है और इस लाइन सेगमेंट पर मैंने एक पॉइंट ये बनाया, फिर सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ पे बनाया, फिर मैंने यहाँ पे थर्ड पॉइंट बनाया और फिर मैंने यहाँ पे फोर्थ पॉइंट बनाया। यहाँ पर ये जो पॉइंट है P, पॉइंट Q और पॉइंट R और पॉइंट S, पॉइंट P, पॉइंट Q, पॉइंट आर, पॉइंट एस, इन्हें हम कहेंगे ये हमारे पॉइंट्स ऑफ डिवीजन, क्योंकि ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारी लाइन सेगमेंट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ए से लेकर पी तक, पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस और एस से बी, ये जो पार्ट्स यहाँ पे बन रहे हैं, टुकड़े जो यहाँ पे बनते हुए आपको नजर आ रहे हैं, सब के सब आपस में
equivalent which is called points of division. Exercise 2.2 है. Exercise 2.2 में आज हमने topic 4 division of line को start किया है. Division of line के topic को समझने से पहले हमने straight line, ray और line segment की definition को लिखा और अब हम points of division को समझ लें. Point of division हमारे पास क्या है? बेटे P, Q, R और S ये हमारे points of division है क्योंकि ये ऐसे points हैं जो line segment को equal parts में divide कर रहे हैं. बराबर बराबर हिस्सों में divide कर रहा है वो point जो किसी line segment को equal parts में divide कर रहे हैं उन points को हम कहते हैं कि ये हमारे points of division. आगे के तमाम शब्दों को बात समझ में आ रही है? शायद बेटे बात समझ में आ रही है क्योंकि division तो नहीं. हमजा पूछते हैं कि सर ये कौन सी एक्सरसाइज है? 2.2 है. ओके जी समझने का कोई कंफ्यूजन नहीं है. तमाम बातें समझ में आ रही कि वो पॉइंट्स जो किसी भी लाइन सेगमेंट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उन पॉइंट्स को हम कहते हैं पॉइंट्स ऑफ डिवीजन. भाई वैसे तो पॉइंट्स ऑफ डिवीजन का मतलब है ऐसे पॉइंट जो डिवाइड, लेकिन मैथमेटिक्स में पॉइंट्स ऑफ डिवीजन का मतलब सिर्फ डिवाइड करने वाले बल्कि वो पॉइंट्स हैं जो डिवाइड तो करें लाइन को लेकिन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड. ठीक है आगे मूव कर रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. क्या कंप्लीट है? मूव कर रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. ओके तमाम स्टूडेंट्स ने कंप्लीट कर लिया तो आगे मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की. नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास आ रही है रेशियो ऑफ लाइन. पॉइंट ऑफ डिवीजन के बाद नेक्स्ट हेडिंग हमारी आ रही है रेशियो ऑफ लाइन. द इक्वल पार्ट्स ऑफ अ लाइन इज कॉल्ड रेशियो ऑफ लाइन. भाई हमारे पास जैसे स्ट्रेट लाइन है और उसपे अपने ए और बी. अब ये हमारी एक लाइन सेगमेंट है. इस लाइन सेगमेंट पर हमने कुछ पॉइंट्स ऑफ डिवीजन को ड्रॉ किया. थर्ड पॉइंट ये पॉइंट्स ऑफ डिवीजन ड्रॉ हो रहे हैं पी क्यू आर और एस. ये क्या है भाई? ये पॉइंट्स ऑफ डिवीजन है. जब हम किसी लाइन पर पॉइंट्स ऑफ डिवीजन ड्रॉ करते हैं तो हमें इक्वल पार्ट्स मिलते हैं ए से पी, P से Q, Q से R, R से S और S से B. अगर आप यहां पे गौर करें A से P तक एक पार्ट है, P से Q तक दूसरा पार्ट है, Q से R तीसरा पार्ट है, R से S चौथा पार्ट है और S से B पांचवा पार्ट. यानी इस लाइन सेगमेंट में टोटल पांच पार्ट बन रहे हैं. तो ये जो पार्ट्स आपके पास बन रहे हैं इन पार्ट्स को हम कहते हैं कि ये क्या है? रेशियो ऑफ लाइन. तो हेयर ए पी, पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस बी इज कॉल्ड रेशियो ऑफ लाइन. इन्हें हम कहते हैं कि ये हमारे रेशियो ऑफ लाइन है. रेशियो ऑफ लाइन है. ठीक है तमाम स्टूडेंट लिखना बंद करें और स्क्रीन पर जरा कॉन्सेंट्रेट करें और इस बात को समझें. तमाम भाई शुजात कहते हैं कि सर फर्क समझ में नहीं आया. देखिए पॉइंट ऑफ डिवीजन का मतलब कि पी क्यू आर और एस इन पॉइंट्स को हम कहेंगे ये पॉइंट ऑफ डिवीजन. ए इनिशियल पॉइंट है, बी फाइनल पॉइंट है, पी पॉइंट ऑफ डिवीजन है, क्यू पॉइंट ऑफ डिवीजन है, आर पॉइंट ऑफ डिवीजन है, एस पॉइंट ऑफ. ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं ये पॉइंट ऑफ डिवीजन. और जो पार्ट्स बन रहे हैं ए से पी तक एक पार्ट बन रहा है, पी से क्यू, क्यू से आर, ये पार्ट्स जो बन रहे हैं आपके पास इन पार्ट्स को कहते हैं कि ये रेशियो ऑफ लाइन. अब बात समझ में आ रही? शुजात बेटे बात समझ में आ रही? आपने कहा नॉट इन बात समझ में आ रही. बात ये हो रही है कि हम
मुझे ये देखना है, अब मुझे ये चेक करना है, तमाम सर स्क्रीन पर कॉन्सेंट्रेट करें कि पॉइंट पी इस लाइन को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। मुझे ये देखना है कि पॉइंट पी इस लाइन को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो रेशो कैसे बनाएंगे भाई, इनिशियल पॉइंट से इस पॉइंट ऑफ डिवीजन तक, ये जो पॉइंट है यहाँ कितने पार्ट बन रहे हैं, एक पार्ट बन रहे हैं, ए से लेकर पी तक एक पार्ट बन रहा है, तो आपने लिखना है वन। फिर रेशो का साइन लगाएंगे और आगे पार्ट काउंट करें कितने बन रहे हैं, एक, ये दूसरा, दो, ये तीन और ये चार, तो हम कहेंगे 1:4। ये वन क्या है जी, इनिशियल से पॉइंट ऑफ डिवीजन तक जितने पार्ट्स बने उन्हें काउंट किया तो वन आ गया, पॉइंट ऑफ डिवीजन से एंड पॉइंट तक जितने पार्ट बने उन्हें काउंट किया तो ये वन। तो रेशियो में दो वैल्यूज होती हैं, जिस तरह से पॉइंट में दो वैल्यूज होती हैं, इस तरह से रेशियो में दो वैल्यूज होती हैं भाई, रेशियो में दो वैल्यूज हमारे पास होती हैं। फिर समझेंगे तमाम स्टूडेंट, फिर समझें कि भाई रेशो किस तरह से बना रहे हैं, मास बेटे खिजर बेटे, फिर समझे इस बात को। मुझे पॉइंट पी का रेशो बनाना है, पॉइंट पी का रेशो बनाना, तो आप ये देखें कि इस पॉइंट ए से, इनिशियल पॉइंट से पॉइंट ऑफ डिवीजन तक, इस पॉइंट तक पार्ट कितने बन रहे, टुकड़े कितने हैं यहाँ पे, भाई एक ही टुकड़ा बन रहा है ना यहाँ पे ए से पी तक, तो इसलिए आपने पहले वन को लिखना है, फिर रेशो का साइन लगाना है। अब आगे ये देखें कि अब आगे कितने टुकड़े नजर आ रहे हैं, टुकड़ों की बात हो रही है, पॉइंट की, पॉइंट को ना कितना टुकड़े देखें आप, एक टुकड़ा ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, तीसरा पार्ट ये हो गया, चौथा पार्ट, चार पार्ट नजर आ, तो हम लिखेंगे 1:4 लिखेंगे, तो इसका रेशियो आ गया 1:4। मास बटे बात समझ में आ रही, मास बेटे बात समझ में आ रही है, 1:4 कैसे बना, 1:4 कैसे बना। ओके, अब आए जरा क्यू की तरफ, अब मुझे बताएं क्यू का रेशो क्या होगा, अब हमें देखना है क्यू का रेशो। तो भाई इनिशियल से क्यू तक देखें कितने पार्ट बन रहे, एक पार्ट ये बन रहा है, एक पार्ट ये बन रहा है, तो ये क्या बना, 2:0। आगे कितने पार्ट बन रहे, एक, दो और ये तीन, तो क्या रेशो बना, 2:3 बन गया। तो क्यू का रेशो क्या बना, 2:3 बन गया, क्यू का रेशो है 2:3। आर का रेशो बताएं क्या होगा, इनिशियल से आर तक कितने पार्ट है, एक, दो, तीन पार्ट और आगे दो पार्ट है, तो 3:2 बन गया, शाबाश। एस का रेशो बताएंगे, 4:1, एस का रेशो क्या, 4:1 लिया, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इसको और एक्सप्लेन करता हूं, स्क्रीन पर ही कॉन्सेंट्रेट करना तमाम स्टूडेंट्स, ठीक है जी। ये मेरे पास आ गई एक लाइन सेगमेंट, ये इसका इनिशियल आ गया ए और ये इसका फाइनल आ गया बी, कंसंट्रेट करना जरा स्क्रीन पर भाई तमाम, और यहां पर मैंने एक पॉइंट ऑफ डिविजन लिया पी और इसका रेशियो मैंने लिख दिया 7:2 लिख दिया। तो अब 7:2 का मतलब क्या है कि ए से पी तक 7 पार्ट है और पी से बी तक 2 पार्ट, क्लियर हो रही बात। 7:2 का मतलब क्या है, इनिशियल से पॉइंट ऑफ डिवीजन तक 7 पार्ट्स है और पॉइंट ऑफ डिवीजन से एंड पॉइंट तक 2 पार्ट है और टोटल पार्ट्स यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 1 और 4 5 2 और 3 5 3 2 5 4 और 1 5, तो ए और बी के दरमियान में 5 पार्ट्स है, 1 2 3 4 5। तमाम स्टूडेंट ने रेशो को समझ लिया, शुजात बेटे अहमदुल्ला, मास, तायर, कंफ्यूजन तो नहीं, तायर बेटे कहते हैं कोई बात पूछना चाहते हैं, तायर बेटे क्या, इनिशियल से पॉइंट ऑफ डिवीजन और फिर पॉइंट ऑफ डिवीजन से एंड पॉइंट तक काउंट करने के कितने पास, रेशो में दो वैल्यूज होती है भाई हमारे पास, ताहिर कहते हैं सर वाई भी तो हो सकता है, तो हमने कैंसिल कर दिया,
सर लास्ट पॉइंट क्यों काउंट नहीं किया जाता, ये बात भी समझ लेते हैं। भाई ए हमारा इनिशियल पॉइंट है और बी हमारा फाइनल पॉइंट है। जब तक हम इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को कंसीडर नहीं करेंगे उस वक्त तक लाइन सेगमेंट नहीं, और जो पॉइंट ऑफ डिवीजन हम बनाते हैं वो लाइन सेगमेंट के अंदर बनाते हैं, इसलिए इनिशियल और फाइनल को कंसीडर नहीं किया जाएगा, सिर्फ अंदर वाले पॉइंट्स को ही कंसीडर किया जाता है, क्योंकि ये पॉइंट्स ऑफ डिवीजन है तो रेशो भी उन्हीं का बनेगा। जिन्हें हम पॉइंट ऑफ डिवीजन बनाएंगे उन्हीं पॉइंट ऑफ डिवीजन का रेशो लेंगे, इनिशियल और फाइनल का पॉइंट ऑफ रेशो नहीं लिया जाएगा। तो रेशो को हमने तमाम स्टूडेंट ने समझ लिया है, और रेशो को समझने के बाद हम नेक्स्ट आगे मूव कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ डिवीजन की हेडिंग डालेंगे तमाम स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ डिवीजन की हेडिंग डालेंगे। सुजात कहते हैं लिखा नहीं था, चलेंगे सुजात बेटे नोट डाउन कर लें। तो नहीं बेटे, आमतौर पर ऐसा यहाँ पे होता नहीं है। जब हम रेशो को ज्योमेट्रिकल बनाते हैं तो वो रेशो लिखी हुई हमें नजर आती है, और जब हम उनको कैंसिल करते हैं तो कैंसिलेशन के बाद जब हम 7:2 की बात करेंगे, इसका मतलब यही होगा कि ए से पी तक 7 पार्ट्स हैं, पी से लेकर बी तक जो है वो 2 पार्ट्स हैं। 14:4 का मतलब ये होगा कि उस लाइन में 18 पार्ट्स, टोटल 18 पार्ट्स बनेंगे। अगर आप तायर बेटे, अगर आप 14:4 की बात करते हैं तो 14:4 का मतलब ये होगा कि उस लाइन में टोटल 18 पार्ट्स होने चाहिए, 18 पार्ट्स। बेटे मेरी बात समझ में आ रही है? आप कहते हैं कि 14:4 हो सकता है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि 14:4 का मतलब यह है कि उस लाइन में 18 पार्ट्स होने चाहिए, टोटल 18 पार्ट्स, टुकड़े पार्ट्स। ओके जी, अब हम आगे मूव कर रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और नेक्स्ट स्लाइड में आप हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ डिवीजन की हेडिंग डालेंगे, टाइप्स ऑफ डिवीजन, types of division की heading डालकर। There are two types, internal division जिसे हम i dot d कहते हैं, और external division जिसे हम e dot d कहते हैं। Internal division i dot d लिखेंगे, external division e dot d लिखेंगे। एक internal division और एक है external division। Internal division और external division, इंटरनल डिवीजन एंड द नेक्स्ट इज एक्सटर्नल डिवीजन। नाउ द साइड हेडिंग इज इंटरनल डिवीजन। तमाम स्टूडेंट स्क्रीन पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अ डिवीजन इन विच पॉइंट डिवाइड द लाइन इंटरनल इज कॉल्ड इंटरनल डिवीजन। तमाम स्टूडेंट स्क्रीन पर कॉन्सेंट्रेट करें। स्ट्रेट लाइन इनिशियल पॉइंट ए जिसे हम एक्स वन वाई वन लेते हैं, और फाइनल पॉइंट बी जिसे हम एक्स टू वाई टू लेते हैं। तो अब ये हमारी एक लाइन सेगमेंट बन चुकी है, क्योंकि ये इनिशियल एक्स वन वाई वन है और ये फाइनल इसका एक्स टू वाई टू। और यहाँ पर हमने कहीं पर एक पॉइंट ऑफ डिवीजन ले लिया, पॉइंट ऑफ डिवीजन को बेटे एक्स वाई सपोज करते हैं, सेंट्रॉइड को एक्स वाई सपोज करते हैं, मिड पॉइंट को एक्स वाई सपोज करते हैं, इन सेंटर को एक्स वाई सपोज करते हैं, क्योंकि ये तमाम एक्स वाई हम उन पॉइंट को सपोज करते हैं जो चेंज होते रहते हैं, मूविंग पॉइंट्स होते हैं, चेंज होते रहते हैं। इनिशियल पॉइंट से पॉइंट ऑफ डिवीजन तक जितने भी पार्ट्स बनेंगे, चाहे वो एक पार्ट हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, चाहे चार हो, उन्हें हम M1 से डिनोट करें।
और पॉइंट ऑफ डिवीजन से एंड पॉइंट तक जितने पार्ट्स बनेंगे उनकी वैल्यू हम एम टू से डिनोट करेंगे। इनिशियल पॉइंट को हम एक्स वन वाई वन से, फाइनल पॉइंट को हम एक्स टू वाई टू से, पॉइंट ऑफ डिवीजन को हम एक्स वाई से, इनिशियल पॉइंट से पॉइंट ऑफ डिवीजन तक जितने पार्ट्स बनेंगे उस वैल्यू को एम वन से, और जो पॉइंट ऑफ डिवीजन से एंड पॉइंट तक जितनी भी पार्ट्स बनेंगे उस वैल्यू को हम एम टू से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ डिवीजन आपको नजर आ रहा है ये लाइन सेगमेंट के अंदर मौजूद है, और जब पॉइंट ऑफ डिवीजन हमारे लाइन सेगमेंट के अंदर मौजूद हो तो ऐसी डिवीजन को हम कहते हैं कि ये इंटरनल डिवीजन है। एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू एंड पॉइंट है, एक्स वाई हमारा पॉइंट ऑफ डिवीजन है, और एम वन और एम टू जो है वो हमारा रेशियो ऑफ लाइन। तमाम स्टूडेंट्स यहाँ तक बात को समझ चुके हैं। इंटरनल डिवीजन में ये जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है ये लाइन सेगमेंट के अंदर है। शुजात कहते हैं बात समझ में नहीं आ रही, भाई ये लाइन सेगमेंट है, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट। इस लाइन सेगमेंट के अंदर एक पॉइंट ऑफ डिवीजन, भाई लाइन सेगमेंट के अंदर ये एक पॉइंट मैंने बनाया जिसे हम पॉइंट ऑफ डिवीजन, तो ये जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है ये हमारी लाइन सेगमेंट के अंदर है, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं इंटरनल डिवीजन कहते हैं जी। हम इनिशियल पॉइंट से पॉइंट ऑफ डिवीजन तक जो भी डिस्टेंस है आपके पास, जो भी पार्ट्स बनेंगे उसे हम एम वन और एम टू का नाम देंगे। भाई ये डिस्टेंस बराबर नहीं है, ए से पी तक और पी से बी बराबर नहीं है, भाई ये पॉइंट ऑफ डिवीजन। पॉइंट ऑफ डिवीजन यहाँ पर कई हो सकते हैं भाई, पॉइंट ऑफ डिवीजन ये भी हो सकता है, पॉइंट ऑफ डिवीजन यहाँ पर ये भी हो सकता है, पॉइंट ऑफ डिवीजन यहाँ भी हो सकता है। तो एक लाइन सेगमेंट पे कई पॉइंट ऑफ डिवीजन हो सकते हैं, लेकिन जो बात हम पी के लिए कर रहे हैं वही हम सब के लिए कहेंगे। अगर यहाँ पॉइंट पी को हम एक्स वाई ले रहे हैं तो यहाँ पॉइंट क्यू भी एक्स वाई होगा, अगर यहाँ पॉइंट आर है तो वो भी एक्स वाई होगा, अगर यहाँ पॉइंट एस है तो वो भी एक्स वाई होगा। अगर इनिशियल पॉइंट से पॉइंट ऑफ डिवीजन तक जितने पार्ट बन रहे हैं वैल्यू को अगर M1 से डिनोट कर रहे हैं तो A से R तक जितनी वैल्यूज बनेगी वो भी M1 होगी। अगर हम P से लेकर B तक वैल्यूज को M2 का नाम दे रहे हैं तो R से लेकर B तक जितनी वैल्यूज बनेंगी वो भी हमारे पास M2 ही होंगी। तमाम स्टूडेंट बात को समझे, तमाम स्टूडेंट ने इस बात को समझा कि पॉइंट ऑफ डिवीजन लाइन सेगमेंट के अंदर मौजूद है, इसी वजह से हम इसे कह रहे हैं कि ये इंटरनल डिवीजन है। फकर बेटे बात समझ में आ रही है, सुजात बात समझ में आ रही है, ओके जी। सुजात ने कहा बात समझ में आ गई है, फकर ने कहा बेटे यस, यासिर ने कहा बात समझ। ता कहते हैं सर बात रिपीट करते हैं, भाई बात को रिपीट करते हैं, फिर देख लें जी। यहाँ पे इंटरनल डिवीजन हम कहते हैं कि ऐसी डिवीजन को जिसमें पॉइंट ऑफ डिवीजन लाइन सेगमेंट के अंदर मौजूद होता है। ये इनिशियल पॉइंट हमने लिया एक्स वन वाई वन, फाइनल पॉइंट भी हमने एक्स टू वाई टू, भाई ये एक लाइन सेगमेंट बन गई है। ये इनिशियल एक्स वन वाई वन है, ये फाइनल एक्स टू वाई टू है। इस ए और बी के दरम्यान में मैंने एक पॉइंट पी बनाया एक्स वन वाई, इसे हम कहेंगे पॉइंट ऑफ डिवीजन ले रहा है। मैं पॉइंट को ले रहा हूँ पॉइंट ऑफ डिवीजन, जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है। भाई इनिशियल से पॉइंट ऑफ डिवीजन तक जितने पार्ट्स बन रहे हैं पार्ट्स को हम M1 से, पॉइंट ऑफ डिवीजन तक से एंड पॉइंट तक जितने पार्ट्स बनेंगे हमने M2 से डिनोट कर रहे हैं। एक ऐसी डिवीजन जिसमें पॉइंट ऑफ डिवीजन लाइन सेगमेंट के अंदर मौजूद हो उसे हम कहते हैं इंटरनल डिवीजन कहते हैं। देखिए पॉइंट ऑफ डिवीजन हमारी लाइन सेगमेंट के अंदर है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये हमारा पॉइंट ऑफ डिवीजन है, ये हमारी इंटरनल डिवीजन है, क्योंकि इंटरनल डिवीजन में पॉइंट ऑफ डिवीजन हमारी लाइन सेगमेंट के अंदर ही रहता है। इनिशियल पॉइंट को एक्स वन वाई वन से, फाइनल पॉइंट को एक्स टू वाई टू से डिनोट कर दिया हमने। और जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है उसको हमने एक्स और वाई से डिनोट। ता बेटे बात समझ में आ रही है, आपने कहा लाइट चली गई थी, ता बेटे बात समझ में आ गई। इंटरनल डिवीजन में पॉइंट ऑफ डिवीजन लाइन सेगमेंट के अंदर ही नजर आएगा, ये अंतर मौजूद है।
फॉर्मूला लिखेंगे I dot D formula, I dot D का मतलब क्या इंटरनल डिवीजन x is equal to m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2 और y is equal to m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2 which is called internal division formula x is equal to m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2 y is equal to m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2. तो ये हमारे पास इंटरनल डिवीजन फार्मूला है m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2 y is equal to m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2 which is called internal division formula. Internal division formula m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2 y is equal to m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2. फखर ने कहा सर इससे पहले की स्लाइड ये थी, इससे पहले की स्लाइड ये थी, ओके जी फखर बेटे फिर फॉर्मूला हमारे पास था m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2 y is equal to m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2. नेक्स्ट आइडिंग हमारे पास आ रही है एक्सटर्नल डिवीजन, अ डिवीजन इन विच पॉइंट डिवाइड द लाइन एक्सटर्नली इज कॉल्ड एक्सटर्नल डिवीजन. तमाम स्टूडेंट स्क्रीन पर कॉन्सेंट्रेट कर लें जरा. इनिशियल पॉइंट x1 y1, फाइनल पॉइंट x2 y2. ये हमने एक लाइन सेगमेंट कंसीडर कर ली कि हमारी लाइन सेगमेंट यही है और अब हमने यहां पर इस लाइन सेगमेंट के बाहर एक पॉइंट और नजर आया जो कि हमारा पॉइंट ऑफ डिवीजन. अब आप यहां पर गौर करें कि यहां जो आपका पॉइंट ऑफ डिवीजन है वो आपकी लाइन सेगमेंट से बाहर. तो जब पॉइंट ऑफ डिवीजन लाइन सेगमेंट के बाहर हो जाए तो उसे हम कौन से डिवीजन कहते हैं, एक्सटर्नल डिवीजन. इनिशियल पॉइंट से पॉइंट ऑफ डिवीजन तक जो रेशियो बनता है उसको हम m1 का नाम देते हैं. इनिशियल से पॉइंट ऑफ डिवीजन तक जितने पार्ट्स बनेंगे वो m1 होंगे और पॉइंट ऑफ डिवीजन से एंड पॉइंट तक जितने पार्ट्स बनेंगे वो m2 होंगे. अब यहां चूंकि पॉइंट ऑफ डिवीजन लाइन सेगमेंट से बाहर है तो अब हमें वापस रिवर्स अंदर की तरफ आना पड़ेगा और रिवर्स आने की वजह से हमें m2 के साथ नेगेटिव साइन को यूज करना. तो रेशो में हमारे पास नेगेटिव साइन भी आ जाता है क्योंकि एक्सटर्नल डिवीजन में पॉइंट ऑफ डिवीजन लाइन सेगमेंट से बाहर होता है और बाहर से जब हम वापस रिवर्स अंदर की तरफ जाते हैं तो हमारे पास नेगेटिव साइन जो है वो यहाँ पे यूज होता है. तो m2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास नेगेटिव हो रही है यहाँ. इंटरनल डिवीजन में पॉइंट ऑफ डिवीजन लाइन सेगमेंट के अंदर ही रहता है और एक्सटर्नल डिवीजन में पॉइंट ऑफ डिवीजन लाइन सेगमेंट से बाहर चला जाता है. इंटरनल डिवीजन में पॉइंट ऑफ डिवीजन लाइन सेगमेंट के अंदर है और एक्सटर्नल डिवीजन में पॉइंट ऑफ डिवीजन लाइन सेगमेंट के बाहर. एक्सटर्नल भाई हम ये बात जानते हैं इनिशियल पॉइंट से पॉइंट ऑफ डिवीजन तक m1 होता है और पॉइंट ऑफ डिवीजन से एंड पॉइंट तक m2 होता है. तो यहां पर हम m2 बनाने के लिए फिर से देख लेते हैं भाई इनिशियल से पॉइंट ऑफ डिवीजन ये है तो ये तो आपके पास आ गया m1 जो कि पॉजिटिव है. अब पॉइंट ऑफ डिवीजन से आगे तो नहीं जा सकते ना भाई, आगे तो है ही नहीं. पॉइंट ऑफ डिवीजन से वापस रिवर्स आना है पीछे की तरफ,
जब पीछे की तरफ आ रहे हैं तो इसलिए m2 में नेगेटिव साइन लगा। बात समझ में आ गई। 1999 इन्होंने अपने आईडी का नाम रखा है 1999। बात समझ में आ रही है? Who's 1999? I don't know. बिलाल बेटे बात समझ में आ गई? लिख लिया तमाम सुनो। बिलाल बेटे कंप्लीट है? बिलाल कंप्लीट है? ओके जी, बिलाल कहते हैं 20 सेकंड हो गए। अशर कंप्लीट है, 10 सेकंड लेफ्ट। अपने का फास्ट किसको कह रहे हैं भाई? बिलाल को। हो गए जी, अहमद ने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट राइडिंग डाल रहे हैं। बिलाल ने कंप्लीट किया। फॉर्मूला लिखी नहीं, एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला लिखी। एक्स इज इक्वल टू एम वन एक्स टू माइनस एम टू एक्स वन डिवाइडेड बाई एम वन माइनस एम टू। वाई इज इक्वल टू एम वन वाई टू माइनस एम टू वाई वन डिवाइडेड बाई एम वन माइनस एम टू। भाई इंटरनल डिवीजन में पॉजिटिव साइन को यूज किया गया और एक्सटर्नल डिवीजन में हमारे पास नेगेटिव साइन। इंटरनल डिवीजन में पॉजिटिव साइन है और एक्सटर्नल डिवीजन में हमारे पास नेगेटिव साइन। इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला x इज इक्वल टू एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू। y इज इक्वल टू एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू। एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला एम वन एक्स टू माइनस एम टू एक्स वन डिवाइडेड बाय एम वन माइनस एम टू। y इज इक्वल टू एम वन वाई टू माइनस एम टू वाई वन डिवाइडेड बाय एम वन माइनस एम टू, which is called external division formula. Internal division formula, external division formula, point of division, ratio of line. External division formula, सर वो नेगेटिव साइन जो लगा था पहले लाइन में वो फॉर्मूले में पुट कर दिया ना, या फिर अगेन ऐड करेंगे हम उसमें? नेगेटिव साइन ताहिर बेटे, ये जो नेगेटिव साइन है, अगर आप नेगेटिव साइन कंसीडर कर रहे हैं तो फिर तो नेगेटिव फॉर्मूले में हम जो है वो नेगेटिव कंसीडर नहीं करेंगे। और अगर आप नेगेटिव साइन फॉर्मूले का ले रहे हैं तो वैल्यूज की हमें पॉजिटिव करनी है। ताहिर बेटे बात हम समझ लें कि ये जो m2 की वैल्यू नेगेटिव है, ये नेगेटिव साइन डायरेक्शन को शो कर रहा है कि लेफ्ट साइड पे डायरेक्शन हो रही है, लेकिन जब आप वैल्यूज पुट करेंगे, जब हम फार्मूले में वैल्यूज को पुट करेंगे तो वो वैल्यू पॉजिटिव ही पुट की जाएगी, क्योंकि अगर आपने नेगेटिव पुट कर दी तो फिर नेगेटिव पहले से ही है तो माइनस और माइनस तो फिर प्लस हो जाए। ओके जी, आज की क्लास को फिर हम यहीं पर ऑफ करेंगे। और तमाम स्टूडेंट्स ने इस बात को समझ लिया है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? वो तमाम स्टूडेंट्स, कोई कंफ्यूजन? और ओके जी, फिर तमाम स्टूडेंट्स से अल्लाह हाफिज। आज की क्लास में इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन के फॉर्मूले और मैथ्स की क्लासेस के हवाले से अपना फीडबैक जरूर देते रहा कि तमाम स्टूडेंट्स आर यू सेटिस्फाइड फॉर मैथ्स क्लासेस, तमाम स्टूडेंट मैथ्स की क्लासेस सेटिस्फाइड, तो मुझे ज़रूर बताया करें। और कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लिया करें। आज की क्लास को यहीं पर ऑफ। अल्लाह रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, नो वरी, परेशान ना।
है जी। ओके जी, अल्लाह।